विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी दिनांक 14 से 28 जनवरी के मध्य आनंद उत्सव मनाया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार इस वर्ष पूरे प्रदेश में 10,000 से अधिक स्थानों पर आनंद उत्सव मनाया जाना है। इस संदर्भ में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 10,000 क्लस्टर की सूची जिलेवार निर्धारित की गई है। मैं अभय कुमार जैन हूँ, राज्य संस्थान जिला इकाई सूची में DPL के रूप में यहाँ पर काम। सर, हमने सुना है कि 14 जनवरी से 28 जनवरी तक पूरे मध्य प्रदेश में आनंद उत्सव मनाया जाने वाला है, तो सर कृपया इसके बारे में बताइए कि हमारे सूत्री में इसकी क्या तैयारी है। बहुत अच्छे, हमने सूत्री में इसकी एक महीने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। ब्लॉक लेवल पर सूत्री ब्लॉक की हमने एक मीटिंग आहूत की थी, जिसमें सभी जितने भी आयोजन स्थल हैं हमारे ग्रामीण स्तर के और नगर पालिका स्तर के, उन आयोजन स्थल के जो प्रभारी अधिकारी हैं उनके लिए हमने एक मीटिंग आहूत की थी, जिसमें उनको सारी जानकारी कैसे अपलोड करना है, कैसे फोटो वीडियो इसके अपलोड करके और आगे प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है राज्य स्तर पर, उसके लिए सारी चीज़ें, आनंदक का पंजीयन, आयोजन समिति का गठन और जितने भी जो इस कार्यक्रम में लोग लगे हुए हैं उनको हमने अल्पविराम कार्यक्रम से जरूर। सर, यहाँ भी सुना है मैंने कि कोई आनंद यात्रा भी निकाली जाएगी आनंद उत्सव के दौरान। बिल्कुल सही है, हमारी पूरी तैयारी है, हम विचार कर रहे हैं इसको कि ब्लॉक लेवल से शुरू करें या जिला स्तर से शुरू करें, तो मेरी खुद मंशा है, हमारे साथियों का भी ये कहना है कि इसको सभी ब्लॉक में इस यात्रा को निकाली जाए। वो आनंद विभाग जो भी काम कर रहा है, मूल रूप से इस विभाग का काम है क्या, अल्पविराम को करना। अल्पविराम एक ऐसी विधा है जिसमें व्यक्ति अपने अंत्यक्रम से जुड़ता है और आनंद उत्सव यात्रा का उद्देश्य है कि इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, आनंद उत्सव में सहभागिता लोग करें और अपनी स्फूर्ति अपने प्राप्त करें और पूरे समाज में एक वातावरण निर्मित करें जिससे कि उनको आनंद की अनुभूति। ये क्या केवल बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है? इसमें वास्तव में बच्चों के लिए एक आयोजन नहीं है, केवल बच्चे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, लेकिन 50 वर्ष से ऊपर जितनी महिला पुरुष हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के, वो इस आयोजन में भाग लेते हैं, और शहरी क्षेत्र के हैं तो अपने अपने नगर पालिका क्षेत्र में दो चार स्थानों पर इसका आयोजन कर सकते हैं, और ग्रामीण स्तर पर इसका कार्यक्रम प्रत्येक क्लस्टर स्तर पर हो रहा है, एक क्लस्टर में 3 ग्राम पंचायतें शामिल। तो क्या इससे कोई हमें शासन किसी तरीके का कोई डे भी हमको देगी, राशि भी हमको प्राप्त? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, प्रत्येक जनपद पर एक क्लस्टर पर जनपद के लिए 15,000 रुपए की राशि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी कर दी गई है, जिसका की पूरा खर्चा 14 से 28 जनवरी के बीच में जो भी कार्यक्रम होंगे उसके लिए इस राशि का उपयोग किया जाए।